मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल झुंझुनू के दौरे पर सुल्ताना में सीएम की सभा को लेकर तैयारियां की पूरी। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बामू के समर्थन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लगातार एंट्री है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल शनिवार को झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बामू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के सुल्ताना गांव के स्कूल के खेल मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया जाएगा। सीएम की चुनावी सभा की तैयारियां जोर पर, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के नेतृत्व में, वहीं मंत्री सुमित गोदारा के नेतृत्व में भी भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सीएम की सभा को लेकर कलेक्टर रामावतार मीणा और पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने भी सभा स्थल का निरीक्षण किया। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की और ड्यूटी में लगे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सभा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू के पक्ष में समर्थन जुटाने में उद्देश्य से यह सभा आयोजित की जा रही है। शानदार वातावरण बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को नामांकन समाज झुंझुनू में आए थे। अब पुनः उनका दौरा कल सुल्ताना में है, और सुल्ताना ये क्षेत्र है, इसमें मंडल में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, और सुल्ताना में इसलिए रखा गया कि सुल्ताना की मांग 50 सालों से यहाँ नगर पालिका बनाने की थी। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, तो सुल्ताना वासियों ने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए कहा कि उनको यहाँ बुलाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं चुनावी समय, और उस बात का लोगों में उत्साह है। और जिस तरह से पूरी झुंझुनू में जो वातावरण बना हुआ है, सब ने इस बार मानस बना लिया कि लंबे अरसे बाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और डबल इंजन की सरकार में झुंझुनू भी उस विकास यात्रा में अपना रोल निभाएगा, और साथ में इस क्षेत्र में विकास कराकर जो झुंझुनू जो इतना शिक्षित क्षेत्र है, और यहाँ से सैनिक भी इतने सारे हैं, सारे राजस्थान में यहाँ के कर्मचारी लगकर राजस्थान और भारत में विकास कर रहे हैं। पूरी बड़ी विडंबना रही कि झुंझुनू जिला खुद पिछड़ा हुआ रहा, अब झुंझुनू विकास की गति में आगे आना चाहता है, इसलिए वो जान चुका है कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होगा। इसलिए आपको लग रहा है पूरे माहौल में कि इस पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से झुंझुनू विधानसभा सीट जीतेगी। तो सीएम का क्या शेड्यूल रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री सुबह 10:30 का कार्यक्रम है यहाँ पे, कल यहाँ सभा संबोधन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कल झुंझुनू में, ये सुल्ताना में। कल सीएम साहब का प्रोग्राम है, और चूंकि मुख्यमंत्री महोदय Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं, उनकी सुरक्षा के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने RSP साहब ने हेलीपैड और प्रोग्राम स्थल का निरीक्षण किया है। किसी प्रकार की सुरक्षा की चूक न हो, इस हेतु हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं। क्या टाइम रहे, क्या शेड्यूल है? अभी तक का शेड्यूल है लगभग 11 बजे पहुँच। 13 तारीख को झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव है, उसके संदर्भ में एक पार्टी विशेष के द्वारा बैठक रखी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कल आएंगे, सबके ध्यान में रहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय Z+ सिक्योरिटी में आते हैं। Z+ सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो। उस संदर्भ में मैं और कलेक्टर साहब यहाँ पर आ जाए हैं, हेलीपैड भी गए थे, कि जो भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार के, हमारे पुलिस मुख्यालय के और गृह विभाग के हैं, जो हमें सुरक्षा कवच और व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए दी जानी है, उसकी पूरी पालना हो। मंच ये आपके सामने D बन रहा है, जाली लग रही है, ये सारी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हम दोनों अधिकारी अभी आए हैं। ताना गाँव के अंदर आज हम यहाँ पे आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी तैयारियों के लेके हमने गांव-गांव जाकर सुल्ताना गांव के, ये सुल्ताना जो गांव हैं यहाँ पर इस्लामपुर में, माखोर में, और आजू बाजू की जो गांव हैं उनमें जाकर हमने तैयारियाँ की हैं। कल बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग इस रैली को सफल बनाने के लिए आएंगे, क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जिन्होंने 10 महीने में ऐतिहासिक काम किए हैं, उन्होंने जिस तरह से इस राजस्थान के अंदर 3600 कौम को साथ लेकर चलने का काम किया है, उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, और इस रैली में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भामू जी, उनको जिताने के लिए इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस झुंझुनू की धरती पर होने जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका अल्पसंख्यक समाज की रहने वाली है, और इस रैली के माध्यम से
कल जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, इसको सफल बनाने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। बड़ी तादाद में, अच्छी संख्या में यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग आएंगे। मैं बनवारलाल सैनी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी उपचुनाव की सभा को लेने के लिए पधार रहे हैं। मैं सभास्थल पर ही मौजूद हूं और सभास्थल पर उनके आगमन की टेंट व्यवस्थाओं की, मंच की सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। और ये जो उपचुनाव है इसमें हमारा जो विजन है और हमारी जो तैयारियां हैं वो चरम सीमा पर है। हम बूथ स्तर के मैनेजमेंट को कम्प्लीट कर लिया है। हमारा जो उम्मीदवार है उसने एक राउंड पूरी विधानसभा का, हर गांव गली और हर पंचायत का कर लिया है। और अब चूंकि कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे सभा को लेकर के, और उनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में और एक नई ऊर्जा का संचार होगा, इसलिए आज ये तैयारी हमारी शाम देर रात तक कम्प्लीट हो जाएगी। और कल 11 बजे उनका पहुँचने का शेड्यूल है। 11 से 12 तक वो एक घंटा सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद अन्यत्र उनकी दूसरी सभा है। तो आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि कल की जो सभा होगी वो बड़ी अद्वितीय होगी, बड़ी ही रोचक होगी। और ये जो हमारी 11 पंचायतें हैं, चिड़ावा पंचायत समिति की, चिड़ावा तहसील की जो है, इन को मद्देनजर रखते हुए आज ये सभा जो हम कल रखेंगे ये यहाँ सुल्ताना में रखी हुई है, क्योंकि सुल्ताना को नगर पालिका की सौगात दी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक हमारा है। इसके मद्देनजर हमने सुल्ताना में ये सभा रखी है और एक बहुत ही अच्छी सभा का आयोजन होगा और एक सकारात्मक ऊर्जा कार्यकर्ताओं में पैदा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने पर।